मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 7 में अगर हम प्रभु की वचन पढ़ेंगे तो प्रभु इस तरह हम लोगों को बताता है। वह ऊंचे स्वरों से यह कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोत की रचना की, उसकी आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोगों को याद दिलाता है कि प्रभु ये सब कुछ सृष्टि किया है। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने पाया है वो सब कुछ प्रभु का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि उसने ही ये सब कुछ सृष्टि किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता, वो तारणहार प्रभु यीशु की स्तुति, आराधना, उसकी जय जयकार करना हमारी जरूरत है। जब हम स्तुति, आराधना और उसकी जय जयकार करेंगे तब हमारे जीवन में आशीष, अनुग्रह और प्रेम, आनंद से हम भर जाएंगे, क्योंकि प्रभु देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाए हुए हर एक वरदान और हर एक बरकत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद ही हृदय से हम प्रभु की जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु मसीह की जय जय करो। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हालेलुया गाओ। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हालेलुया गाओ। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हालेलुया गाओ। होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया। सब मिलके होसाना, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, पूर्ण हृदय के साथ होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया। जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। सब मिलके जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, अब्बा पिता की जय जय करो। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हालेलुया गाओ। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हालेलुया गाओ। सब मिलके हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, ऊंच
ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ, फिर से हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, ऊंचे स्वरों में हल्लेलुया गाओ, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, दोनों हाथों को ऊपर उठा के होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, पूर्ण हृदय और शक्ति के साथ होसाना, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, और एक बार होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, होसाना हल्लेलुया, का वचन कहता है अगर हम मनुष्य स्तुति करना छोड़ देंगे तो सारे सृष्टि जो प्रभु सृष्टि किया है वो स्तुति करने लग जाएंगे। प्रभु इतना सामर्थ्यवान है कि वो किसी से भी स्तुति करवा सकते हैं। अगर हम पुराने विधान में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है गधे भी बोलने लगा, प्रभु जानवरों से भी बुलवा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, हम पूर्ण हृदय से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, पवित्र आत्मा को बुलाते हुए, पवित्र आत्मा को स्तुति करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए हम प्रभु को फिर से स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा की जय जय करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा की जय जय करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा की जय जय करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पावन आत्मा की जय जय करो, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ, उच्च स्वरों में हल्लेलुया गाओ, होसाना हल्लेलुया, 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 फिर से हम स्तुति करें, हल्लेलुया,
आइए हम आंखें बंद करें और दोनों हाथों को छाती में रखते हुए हम प्रभु को आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा।